Hello, students. my Myself is Subhanchi. I am your chemistry teacher. Today, I am going to start our online chemistry classes for class 12. In this video, I am going to give you the course details. So, let's see the flavors of chemistry. In class 12, we have to study two books, part 1 and part 2. In part 1, we have to study total nine, chapter, total 9 units. Unit 1, unit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. And in second part, in second part, we have to study total 7 units. To unit 10, unit 11, unit 12, unit 13, unit 14, unit 14, unit 16. Means टोटल सिक्सटीन यूनिट्स वी हैव टू स्टडी टोटल सिक्सटीन यूनिट्स इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट वी नो दैट केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री जो है वो थ्री पार्ट में डिवाइडेड है फिजिकल केमिस्ट्री इन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री आप लोगों आप लोग जैसा देख रहे हैं मैंने यहाँ लिखा है फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ में टोटल मैंने आपको बताया कि हम लोगों को स्टडी करना है सिक्सटीन यूनिट्स जिसमें फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में वी हैव टू स्टडी दिस फाइव यूनिट्स फर्स्ट इज फर्स्ट यूनिट इज सॉलिड स्टेट सेकेंड यूनिट इज सॉल्यूशंस थर्ड इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फोर्थ यूनिट इज केमिकल काइनेटिक्स एंड फिफ्थ यूनिट इज सरफेस केमिस्ट्री मीन्स ये फाइव यूनिट्स जो हैं वो आपको फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करने हैं और फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करने हैं और फाइनल एग्जाम जो होता है उसमें इन फाइनल एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑफ ट्वेंटी थ्री मार्क्स आर आस्क्ड फ्रॉम दिस फाइव चैप्टर्स ट्वेंटी थ्री मार्क्स के क्वेश्चन आपके इन फाइव चैप्टर्स से पूछे जाते हैं ठीक है अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट केमिस्ट्री में नेक्स्ट इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी हैव टू स्टडी दिस फोर यूनिट्स फोर यूनिट्स मीन्स यूनिट सिक्स यूनिट सेवन यूनिट एट एंड यूनिट नाइन unit 6 is general principles and processes of isolation of elements. unit 7 is p-block element. unit 8 is d and f-block element. unit 9 is coordination compounds. in final examinations, total question of 19 marks are asked from these four units. नाइन्टीन मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो आपके इन चार यूनिट्स से पूछे जाते हैं ठीक है नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी हैव टू स्टडी दिस सेवन यूनिट्स दिस सेवन यूनिट्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोग देखिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यहाँ से यूनिट टेन से यूनिट टेन से ये आपका आ रहा है ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट यूनिट मीन्स यूनिट टेन फर्स्ट यूनिट जो है वो है फर्स्ट चैप्टर है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स यूनिट इलेवन मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये यूनिट टू है एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड इथर्स थर्ड इज़ एल्डिहाइड्स कीटोन्स and carboxylic acid unit 13 is organic compounds containing nitrogen unit 14 is biomolecules unit 15 is polymers unit 16 is chemistry in everyday life total question of 28 marks are asked from this seven chapter ट्वेंटी एट मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मीन्स आप लोगों ने ये देखा कि फ़िजिकल केमिस्ट्री तीन केमिस्ट्री uh, है फिजिकल केमिस्ट्री है ठीक है सेकेंड इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और थर्ड जो है ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ठीक है तो फिजिकल केमिस्ट्री से आपके ट्वेंटी थ्री मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नाइनटीन मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके सबसे ज़्यादा ट्वेंटी एट मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मीन्स क्लास ट्वेल्थ में हम लोगों को दो बुक स्टडी करना है जिसमें कि फर्स्ट बुक में जो है वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री रहता है पार्ट वन में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है और सेकेंड पार्ट जो है सेकेंड बुक जो है आपका वो है वो आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन क्लास ट्वेल्व में हम लोग जो हैं वो दो पार्ट पढ़ना है हम लोगों को इसके लिए सबसे फर्स्ट तो हम लोग एन से ही स्टार्ट करेंगे और साइड बुक आप कोई भी परचेज कर सकते हैं वो ले सकते हैं आप तो आज हम लोग जो है आज के क्लास में तो मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया सलेबस ऑफ केमिस्ट्री तो टोटली टुडे वी हैव लर्न अबाउट द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर्स नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे ठीक है तो सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे फर्स्ट मैं क्लास में सेकेंड पार्ट आपका स्टार्ट करूँगी वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री और आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थैंक्स यू